हेलो व्यूअर्स, हाँ एक ख़ास बात कहनी थी, भूल गई। कि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ ये सब्सक्राइब वाले बटन पे दबाना होता है, वहाँ पे बेल होती है उसको दबाना होता है, फिर ऑल पे दबाना होता है और कुछ नहीं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको आने वाली हर वीडियो का वो मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कोई भी वीडियो जो मेरी आगे आएगी तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी मैंने अभी तक 562 या 3 वीडियो डाल चुकी हूँ मैं इतनी सारी वीडियो डाल चुकी हैं। अलसी के लड्डू की वीडियो तो कल ही आएगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, हाउ आर यू, और केम छू गुजराती में बोलते हैं केम छू। और आज है 29, सिर्फ 2 दिन रह गए नया साल आने में, 1 जनवरी आने में सिर्फ 2 दिन, ये 2020 होने वाला है ख़त्म। और ये 2020 ने तो ऐसे बहुत नुकसान किया, कोरोना के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दिया। 10 लाख के करीब बेचारे लोग मर गए इस 2020 में। भगवान करे 2021 का सन आए ना, वो बहुत अच्छा है सबके लिए। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी टाइम है आपका 8:20 हुए। मैं ना अभी थोड़ी देर पहले नहा के आई हूँ, 10-15 मिनट पहले नहा के आई हूँ गर्म पानी से, और कुछ कई बार मेरे को चीज़ें धोनी होती हैं वो भी धोई साथ में। और ये मेरे हाथ में है गर्म पानी का, उबले हुए पानी का गिलास। तो ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि दिन की शुरुआत भी इससे होती है और दिन का जो एंड होता है ना, रात का लास्ट जो होता है वो भी ये गर्म पानी होता है। तो हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड ने ना दिन में 4 बार गर्म उबला हुआ एक गिलास भर के पानी देने की आदत बना रखी है। सुबह उठते सारी ब्रश करते ही मेरे हाथ में गर्म उबला हुआ पानी होता है, जिसमें होता है नींबू और नमक, बस यही होता है, शायद नहीं होता। तो वो मेरे को देते हैं तो मैं पी भी लेती हूँ, उसके थोड़ी देर बाद मैं पीती हूँ चाय, चाय के साथ कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, ठीक है। फिर दोपहर को वो देते हैं, हाँ लंच से पहले फिर पकड़ा देते हैं उबले हुए गर्म पानी का गिलास, ठीक है, 2। और उसके बाद शाम को पकड़ा देते हैं, टाइम देखकर एक टाइम फिक्स करके उस टाइम पे वो उबला हुआ गिलास का पानी हाजिर है, ठीक है। कम उबला भी नहीं होता, बहुत उबला होता है, जिसको पीने में ही 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि एक एक सिप पीना होता है, बहुत ही गर्म होता है वो। और रात को जब सोना होता है ना, जैसे मैंने 9 बजे खाना खाया, मेरा 11 या 12 बजे मुझे वो उबला हुआ पानी पिला देंगे सोने से पहले एक गिलास। मैं पी भी लेती हूँ वैसे, पर उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि आज मैंने ना अचानक ही वेट तोला बहुत दिनों के बाद। मैंने पहले तोला था 5 तारीख को, 5 दिसंबर को तोला था ऐसे ही मैंने, तब मेरा वेट था 80.2, मतलब 80 तक ही रहता था, 80 पे स्टे हो गया था, ज़्यादा मतलब ऊपर नहीं नीचे नहीं, 82, 83, 80.2, 83 इस तरह से, तो 80.2 था। तो आज मेरे मन में आया, अब मुझे कह भी रहे थे कि थोड़ी सी ना, तो थोड़ी सी पतली लग रही, मुझे कह रहे थे वैसे हैं, तो फिर मैंने कहा चल तोलूँ दे रहा हूँ, मैं पतली लग रही हूँ क्या, तो मैंने ऐसे तोला। आज मेरा वेट 79 की रेंज में आ गया और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब बच्चे कह रहे थे 70 की रेंज में तो ला के, 17 मतलब की रेंज में ला के तो दिखाओ पहले, है ना, तो 79.8 आया। मतलब बाद में मैंने हिसाब लगाया, सिर्फ 400 ग्राम ही तो कम हुआ है, कौन सा ज़्यादा कम हुआ। वैसे मैं कुछ खास कर भी नहीं रही थी, एक्सरसाइज भी मेरी छूटी हुई थी, पर आज मैंने एक्सरसाइज भी करी आधा घंटा, लंच बनाने से पहले मैंने एक्सरसाइज कर लिया आधा घंटा, और वो देखकर खुश हो गए, कह रहे अरे वाह, बहुत दिनों के बाद एक्सरसाइज हो रही है, तो अच्छा लगा। चलो 79 की रेंज में आ गया ना, तब इसी रेंज में रहे ना, फिर ऊपर ना चला जाए, 80 में ना आ जाए, 79 से कम ही हो तो। और ये सारा कमाल पता है उबले हुए पानी का हुआ है, तो मैं इससे बड़ी खुश हूँ। उन्होंने तो मुझे मतलब ज़बरदस्ती पिलाया उबला हुआ पानी, सुबह तो मैं फिर भी पी लेती थी, अब सारा दिन क्या करते थे लाला के 3-4 बारी और पिला देते थे, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, क्योंकि उसको पीने में ही 15 मिनट लगते हैं। और मैंने आज वो पता घर में नहीं है, अभी गए हुए हैं दोपहर को, दोपहर से गए हुए हैं, 2:30 से 2:30 बजे गए होंगे, अपने ऑफिस में गए हैं कहीं काम से, और अभी तक लौट के नहीं आए। आज उन्होंने मेरा बहुत सारा सामान भी लेकर आना है, वहाँ पे सरकारी दुकान है ना, वहाँ से मैंने डाले वाले बहुत सारे मैं लिख के दिए हैं, तो कैसे ले आऊँगा, तो अभी तक तो आए भी नहीं है। 8:20 हो गए, 2:30 बजे के निकले हुए, 6 घंटे हो गए उनको, और मैंने भी 5 से 6:30 बजे तक किया आराम अपना, उसके बाद 6:30 से उठ के लग गई काम पे, फिर नहा धो के आई हूँ, कुछ कपड़े वगैरह फोल्ड करने थे, 1-2 दिन से मतलब धुल के पड़े हुए थे बीच वाले कमरे में, तो वो मेरे को फोल्ड करने थे, वो फोल्ड करे, फिर मैं नहा कर आई, थोड़ा कुछ धोना धोना होता है वो धोया, और उसके बाद जो है फिर मैं बाथरूम वगैरह थोड़ा साफ़ किया, उसके बाद मैं आ गई गर्म पानी का गिलास लेकर,
और अब मैं पता क्या करने वाली हूँ, अभी स्वाति आई कह रही कुछ कुछ खाने का बना दो, बेसन का पूड़ा वगैरह, तो मैंने कहा ठीक है, पर इनको बेसन के पूड़े से बजाय इनको मूँगफली वाला पूड़ा बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है एकदम, बहुत यम्मी होता है वो, ठीक है। पर वो नहीं बना रही मैं, क्योंकि अब मेरे को रात का डिनर भी बनाना है फिर, तो मैं जल्दी से अभी ये चीज़ें पीऊँगी, उसके बाद मैं करूँगी बेसन का पूड़ा बनाऊँगी, पता नहीं इसके बीच में कुछ लग रहा है, हाँ बेसन का पूड़ा बनाऊँगी, फिर थोड़ी सी चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं रात का डिनर बनाऊँगी। डिनर में पता क्या बना रही हूँ मैं, बाबा रामदेव वाली खिचड़ी, उसको खाए हुए 3-4 दिन हो गए, तो आज मन कर रहा है कि आज वो खिचड़ी खाई जाए, और साथ में जो है क्या कह रही थी मैं, हाँ साथ में जो आज दोपहर को मैंने क्या बनाया, दोपहर को मैंने बनाए थे पनीर के परांठे, ठीक है। साग जो मैंने बनाया था वो तो एक ही बारी में पूरा ख़त्म हो गया, मतलब कम बना इस बार, बहुत ही कम बना, एक बार खाया सारा ख़त्म। तो बस अब मैं पहले इसको पी लेती हूँ उबले हुए पानी को, उसके बाद मैं बनाती हूँ बेसन का पूड़ा। बस बेसन का पूड़ा बना रही हूँ, एक बन गया, अब स्वाति को दे के आती हूँ, तो दूसरा बन रहा है, ठीक है। इधर मैंने बाबा रामदेव वाली खिचड़ी धो रही थी बैठ के, एक पानी धो लिया, दो पानी और धोनी है, ये मेरा बैटर है, थोड़ा ही बनाया जो अभी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बस मैं बना रही हूँ बेसन का पूड़ा, उसके बाद पूछूंगी अगर किसी को चाय पीनी होगी तो दे दूँगी, आज दूध नहीं पी पाएंगे, आज दूध कम है, क्योंकि ना आज कल सुबह लेकर आएंगे, कम है दूध तो चाय अच्छी, मतलब दूध डाल के चाय बन जाएगी, पर दूध नहीं सबको पीने को नहीं मिल पाएगा। तो चलो पहले मैं ये जल्दी से पूड़ा बना के सबको दे आऊँ, इसके पापा का बना के रख दूँ, वो अभी तक नहीं आए, और उसके बाद फिर मैं ये बाबा रामदेव वाली खिचड़ी का तड़का तैयार करती हूँ। तो बस मेरी बाबा रामदेव वाली खिचड़ी भी बन गई, देखिए नमक थोड़ा सा कम था मैंने डाल दिया, बाकी सब ठीक है, परफेक्ट है। इसमें मैंने ना गाजरें भी डाली हैं, हरा धनिया, और वो जो उसके थे उसको ढक देते हैं, उसके जो जो होते ना वो क्या कहते हैं ब्रोकली के बैक साइड का हिस्सा, वो काट के रखा था वो भी डाला है इसमें, बाकी तो और कुछ नहीं, बाकी तो वही प्याज टमाटर का तड़का ही लगाया है, हरी मिर्च प्याज टमाटर बस इनका तड़का लगाया, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें तो पहले ही मिक्स थी, तो मैं सर्व कर देती हूँ। हेलो व्यूअर्स, खाना सबको डाल के दे दिया है, टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, पर और मैं भी खा रही हूँ बाबा रामदेव वाली खिचड़ी, और के पापा आए लेट, पता नहीं कितने बजे आए, वो 9 बजे आए मेरे ख्याल से, मेरा कोई भी सामान नहीं लेकर आए, डाले वाले जो बोला था गए ही नहीं उधर, नेहरू प्लेस चले गए थे, वहाँ से पता नहीं बच्चों का कुछ सामान लाना था वो ले आए, उनका कंप्यूटर से रिलेटेड मतलब लैपटॉप से रिलेटेड वो सामान ले आए, बस और कुछ नहीं है, उसी में लेट हो गए, फिर लाए नहीं, जिस काम के लिए गए थे वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, पीछे से आ गए, ठीक है। तो खाना डाल के दे दिया मैंने, और मैं अब खा लेती हूँ खिचड़ी, पता आज मैं बना रही हूँ अलसी के लड्डू, जिसकी वीडियो अगली मतलब अलग से आएगी अलसी के लड्डू की, फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, पता नहीं देखो कैसे बनते हैं, पर सर्दियों में अलसी के लड्डू खाना अच्छे होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई ड्राई फ्रूट के लड्डू होने ही चाहिए। तो बस मैं अब ये इंजॉय खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने बनाती हूँ अलसी के लड्डू, और उसके बाद करूँगी वीडियो एडिट, और उसके बाद फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।